तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट लगभग साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी न्यूज और अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है कैथे वुड की तरफ से। इन्होंने ये कहा है कि NFTs DeFi डिजिटल वॉलेट्स विल बिकम इंपॉर्टेंट ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैथे वुड कौन है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके सीईओ हो या फिर फाउंडर हो वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट शेयर किया करते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट शेयर करते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट आर्क एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है आर्क इन्वेस्टमेंट। और यहां पे क्या हुआ है, जो इनके सीईओ हैं मिस्टर कैथे वुड, इन्होंने ये कहा है कि एनएफटीज और डेफी डिजिटल वॉलेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं और सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। तो आप खुद सोचिए कि आर्क इन्वेस्टमेंट के जो सीईओ हैं मिस्टर कैथे वुड, इन्होंने ये कहा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, वेब 3.0 हो गया, मेटावर्स हो गया, एनएफटीज हो गया, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हो गए, इसमें बहुत सारा फ्यूचर नजर आ रहा है और इसमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं यहां पर, वो भी अगेन निकल करके आ रही है कैथे वुड की तरफ से। जी हां, तो कैथे वुड सेज क्रिप्टो रेवोल्यूशन विल नॉट बी स्टॉप्ड। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज अपडेट शेयर किया करते हैं, बहुत सारे लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में निगेटिव स्टेटमेंट भी शेयर करते हैं। तो यहां पर जो कैथे वुड हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया है कि क्रिप्टो रेवोल्यूशन विल नॉट बी स्टॉप। क्रिप्टो करेंसी का जो रेवोल्यूशन चल रहा है इसको कोई भी रोक नहीं सकता है और इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूं। आप लोग कितने परसेंट एग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं जो निकल करके आ रही है स्विट्जरलैंड कंट्री से। जी हां, आप सभी लोगों को बता दें कि स्विट्जरलैंड कंट्री में लगभग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग फर्म्स को, एटीएम को, एक्सचेंज को 99% लगभग रेगुलेशंस दे दिए गए हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स तैयार कर दिए गए हैं जिसकी वजह से सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। लेकिन जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि स्विट्जरलैंड बेस्ड क्रिप्टो माइनिंग फर्म्स, मतलब एक ऐसा बिटकॉइन माइनिंग फर्म जो स्विट्जरलैंड में काम करता है, उसने क्या किया है, एक्सपेंड किया अपने ऑपरेशन को टेक्सास में। टेक्सास एक ऐसी जगह है जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को स्पेशली लीगल फ्रेमवर्क के तहत तैयार किया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी माइनिंग फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो लोग भी टेक्सास में क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग फर्म्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड जो बड़ी कंपनी है वो लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरी बात बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो जिसकी वजह से हर एक कंपनी क्या करने जा रही है, यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग फर्म्स लगा रही है। उसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी न्यूज लगी। न्यूज ये है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% हैव हर्ड अबाउट क्रिप्टो इन स्पेन। आप सभी लोगों को पता है स्पेन जैसे कंट्री में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लगभग मान्यता दी गई है, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं, वहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट प्लेस बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। तो वहां पर क्या हुआ, एक डाटा निकल करके आया है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 75% ऐसे लोग हैं उस कंट्री में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने हैं। तो आप लोग खुद सोचिए 75% आज की डेट में है, आने वाले टाइम में साल, दो साल, चार साल में हो सकता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सुनने वाले 100% हो जाएं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक चीज बताइएगा कि इंडिया का परसेंटेज क्या है। मेरे हिसाब से 10-15% ज्यादा से ज्यादा होगा इंडिया कंट्री में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे। आप लोगों का क्या परसेप्शन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं उज्बेकिस्तान की तरफ से। जी हां, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जितने भी छोटे छोटे कंट्री हैं वो लोग बिटकॉइन करेंसी को क्या कर
रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर लीगल फ्रेमवर्क लगाने की तैयारी में है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग फर्म्स लगा रहे हैं और ATMs भी इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। ऐसे में चलते जो उज़्बेकिस्तान यहां पे न्यूज निकल करके आई है कि उज़्बेकिस्तान वार्म अप टू बिटकॉइन माइनिंग, मतलब सिंपल से ये हुआ कि ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग फर्म्स बहुत सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं और वो बहुत बड़ा बड़ा यहां पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स भी हैं जो यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करना चाहती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हम बात करते हैं अगेन, आप लोगों ने देखा होगा सिबा क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आती ही रहती हैं और आज अगेन लेटेस्ट न्यूज निकल करके आई, वो ये है कि सिबा क्वाइन एंड एपी क्वाइन, ये दो क्वाइन है, नाउ बी यूज्ड एज पेमेंट मेथड ऑन क्वाइनबेस कॉमर्स। क्वाइनबेस क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है और उसी का क्वाइनबेस एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। तो वहां पे क्या होने वाला है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है कि सिबा क्रिप्टो करेंसी को भी यहां पर अपडेट किया गया है और एपी क्वाइन को भी अपडेट किया गया है एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं सिबा क्रिप्टो करेंसी का यूज केस बढ़ रहा है, एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है जितने भी सिबा होल्डर्स हैं। और आज अगेन यहां पे न्यूज निकल करके आई है बेबी डॉज क्वाइन को लेकर के। आप लोगों ने देखा होगा बेबी डॉज क्वाइन भी मार्केट में यहां पर न्यूज अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। तो जो न्यूज निकल करके वो ये है कि बेबी डॉज स्पाइक्स 14%। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा 14-15% बेबी डॉज क्वाइन पंप हुआ है और उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि 14 ट्रिलियन बेबी डॉज क्वाइन बर्न विद इन 24 आवर, मतलब 14 ट्रिलियन यहां पे क्या हुआ है, बेबी डॉज क्वाइन बर्न किया गया है, वो भी 24 घंटे के अंदर में। तो आप लोग खुद सोचिए कि जितने बेबी डॉज के होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता हूं कि जितने भी मीम क्वाइंस हैं इनकी रेगुलर अपडेट्स आनी चाहिए, रेगुलर एक्सचेंजों पे लिस्टिंग होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर बर्निंग की न्यूज आनी चाहिए, तभी इसका प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।